दोस्तों आज का स्मैकडाउन का एपिसोड जबरदस्त हुआ। नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले ये स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड था। स्मैकडाउन के अंत में रोमन रेंस का सेगमेंट जबरदस्त रहा। दरअसल स्मैकडाउन के अंत में केविन ओवेंस शो हुआ। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने रोमन रेंस और सोलो सिकोवा को वहां पर बुलाया, लेकिन वहां पर पॉल हेमन ने एंट्री की और कहा कि ट्राइबल चीफ तुम्हारे बुलाने से बाहर नहीं आएंगे, उनको जब बाहर आना होगा तो आएंगे। इसी बीच द उसोज ने एंट्रेंस की और रिंग में जाने के बाद केविन ओवेंस ने कहा कि रोमन रेंस को द उसोज की कोई परवाह नहीं है। वही जिमी ने बताया कि जहां तक द उसोज की बात आती है तो वही ट्राइबल चीफ है। तभी वहाँ पर रोमन रेंस ने गुस्से में आकर द उसोज के हाथों से माइक लेकर फेंक दिए और सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को कहा कि ब्लडलाइन का अंत होने वाला है और इसके जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर रोमन रेंस गुस्सा हुए और इसके बाद जबरदस्त ब्रॉल देखने मिला। सोलो सिकोवा ने केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को समोन स्पाइक दे दिया तो वही अंत में रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन को जबरदस्त स्पेयर दे दिया। जे उसो ने टैग टीम टाइटल्स उठाकर सोलो सिकोवा को दिए, लेकिन जिमी उसो टाइटल देने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ब्लडलाइन का अंत। खैर अब नाइट ऑफ चैंपियंस को कुछ ही घंटे बचे हैं। अब देखना होगा कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा टैग टीम चैंपियंस जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।